केंद्रीय मंत्री और आरसीपी सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। विपक्ष को एक साथ जोड़ने निकली नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी में फूट पड़ रहा है। एक के बाद एक जेडीयू से नेताओं का विकेट डाउन होता जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। बीजेपी में शामिल होते ही आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सब पीएम कहते हैं। मैंने भी उन्हें कहा कि आप पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। पीएम मतलब पलटी मार। आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने कितनी बार विश्वासघात किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें जरा सोचना चाहिए कि देश कहां से कहां चला गया है और बिहार कहां है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें सी शब्द से बड़ा प्यार है। सी से शेयर होता है, इसलिए कुर्सी के मोह में सारा काम कर रहे हैं। बता दें कि 2 दशक से ज्यादा समय तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ जुड़े रहे। उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ कहा था कि जेडीयू में कुछ नहीं बचा, वो अब डूबता हुआ जहाज है, इससे चिढ़ है तो हमसे निपटे, हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। वर्तमान समय में मुझ पर अकुत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया, ये उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के करीबी रहे अजय आलोक ने अब अपना नया ठिकाना तलाश कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक बीजेपी के कुंबे का हिस्सा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में 28 अप्रैल शुक्रवार को अजय आलोक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस तरह जेडीयू में अब सुनामी आती नजर आ रही है। कहा जा रहा है जेडीयू के बारे में कि उसकी विकेट जो है एक के बाद एक गिरती जा रही है, विकेट डाउन हो रहा है क्योंकि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार की सरकार जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। और पीएम का फुल फॉर्म तो आप समझ ही लिए हैं कि इन लोगों के हिसाब से पीएम का फुल फॉर्म है पलटी मार। खैर रिपोर्ट ये है, इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।